बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको भिंडी गोश बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो देखिए, ये है भिंडी, कि ये मैंने पहले से कट कर ली है। इसके आगे जो आगे से भी कट कर लिया है, पीछे जो डंडी सी होती है वो भी काट ली गई है, और इस फॉर्म में इसको मैंने कर लिया है। और ये टमाटर भी मैंने पहले से कट कर लिए हैं, एंड ये हरी मिर्चें, और ये हमारा है मटन। ओके, ये मटन मैंने ले लिया 1 kg। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है ऑनियन, ये मैंने इतनी ऑनियन ले ली थी, तो इसको मैंने ये कट कर लिया, 2 ले ली मैंने साइड्स की। ठीक है, आप ऐसी 2 अनियन ले लीजिएगा इतनी साइज़ की, और इनको बारीक बारीक काट कर, ये स्पून है बड़ा स्पून, इसके मैंने 3 स्पून ऑयल के डाल लिए। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, इस तरह से मैंने इतना बारीक बारीक काट के इसको फ्राई कर लिया है। तो ये 10 से 15 मिनट में ही इतनी लाइट ब्राउन सी हो गई है। जब इतनी हो जाएगी ना, इस फॉर्म में आ जाएगी, ऐसा कलर इसका हो जाएगा, तो बस आपने अब इसमें गोश डाल देना है। तो देखिए, ये है हमारा मटन, ये 1 kg मटन है, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा, ये डालने के बाद, गोश्त डालने के बाद, अब हमें इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है, ताकि वो गोश्त की अपनी जो स्मेल होती है ना, वो निकल जाती है। इस तरह से आप 2 से 3 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से यूँ फ्राई कर लें प्याज के साथ। अभी कुछ भी मसाले नहीं डालें, बस सिर्फ इसको फ्राई कर लीजिए। इसके बाद अब हम मसाले डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें नमक, सॉल्ट। ये देखिए, ये मैंने 1 teaspoon नमक ले लिया है, इसमें डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, ये भी हम डालेंगे इसमें 1 teaspoon। अब इसके बाद इसमें डाला जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, तो ये भी आपने डालना है 1 teaspoon। अब इसमें नेक्स्ट डलेगा रेड चिल्ली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 teaspoon। अगर आप कम खाती हैं बहनों, तो थोड़ी कम डाल लीजिएगा। मैं चूँकि स्पाइसी खाती हूँ, इसलिए मैं पूरी भर के डाल देती हूँ, तो वो अपनी टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पाइसी लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट डालेंगे इसमें हल्दी 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon से थोड़ा सा कम और कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें डलेगा दालचीनी, ये देखिए, ये दालचीनी मैंने इसमें डाल दी है। अब नेक्स्ट डालेंगे 3 बड़ी इलायची। अब इसमें डाला जाएगा लौंगें, लौंगें बस इतनी काफ़ी होंगी। अब इसमें डालेंगे काली मिर्चें, जी तो मैं काली मिर्चें ले आई हूँ, देखें ये होती हैं गोल गोल, ब्लैक पेपर, तो ये बस आप इतनी डाल लें, काफ़ी होंगी। तो दोस्तों, मसाले तो हमारे पूरे डल चुके हैं, बस अब इसको मिक्स कर दीजिए, इससे पहले कि ये चिपकना शुरू हो जाए। इसको जल्दी से मिक्स करके इसमें पानी डाल दीजिए, वाटर डाल देंगे इसमें। तो देखिए, अब ये मैं पानी लेकर आ गई हूँ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये डाल दिया। तो हमने पहले सब सारे मसाले डाल दिए, उसके बाद इससे पहले कि ये चिपक जाता, हमने इसमें वाटर डाल दिया है। तो बहनों, अब ये सारे मसाले कंप्लीट, जो मैंने आपको सब बताए हैं, अभी दिखाए हैं, ये सब यही मसाले इसमें डालेंगे। और फिर अब जब ये गला हो जाएगा ना, तो फिर इसमें मैं क्या डालूँगी, भिंडी। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, तो वो भिंडी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसको मैंने कट करके रखा हुआ है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए, अब हम इसको ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए।
अदगला करने से पहले आपने क्या करना है, इसमें अदरक और लहसुन भी डाल देना है। देखिए ये इतनी क्वांटिटी में, इसका पेस्ट भी बना सकती हैं वरना इसी फॉर्म में डाल दें फ्रेश फ्रेश। बिस्मिल्लाह। तो देखिए अब ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब जो है मैं इसको 10-15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देती हूँ। अब हम 30 मिनट्स बाद इसको देखते हैं तो ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये अधगला हो गया। तो अब इसमें मैं भिंडी डाल देती हूँ। देखिए ये भिंडी मैंने जो पहले से कट कर ली थी, आगे और पीछे से इसको काट लिया था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, भिंडी डाल दी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। देखिए ये मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए थे दरमियानी साइज़ के, इनको मैंने कट कर लिया, अब डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, ये भी डाल दिया है इसमें। अच्छा अब इसको मिक्स कर देते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें दही भी डालेंगे कर्ड। ये देखिए ये मैंने दही ले लिया है, ये आधा पाव से भी थोड़ा कम है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ उसको। बिस्मिल्लाह, अब इसमें दही भी ऐड हो गया। तो दोस्तों अब इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब इसको मिक्स करने के लिए, इसको पकने के लिए अब हम छोड़ देंगे। तो ये मेरे हिसाब से तकरीबन 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। और ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैं एंड में डालूंगी। वैसे अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं, चटपटा खाते हैं, तो आप इसको अभी डाल सकते हैं, वरना एंड में डालें। मैं भी इसको एंड में ही डालूंगी। तो देखिए अब 15-20 मिनट बाद ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि भिंडियां भी देखिए इस तरह से गल गई हैं, नरम हो गई हैं, मतलब सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी इस फॉर्म में भिंडी हो जानी चाहिए। और जो हमने टमाटर डाले थे वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम एंड में क्या करेंगे, ये जो हरी मिर्चें हैं ना, ये हम एंड में डाल देंगे। तो ये हमने डाल दी और एंड में हम थोड़ा सा असली घी भी डालेंगे। तो देखिए ये मैंने असली घी लिया है, देसी प्योर घी जो होता है, ये बस 1/2 स्पून काफ़ी होगा, तो उसका एक फ्लेवर आ जाता है। और फिर बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करना है, हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया, वो आप बारीक बारीक काट के इसमें डाल दीजिएगा, इसकी महक हो जाएगी। तो बहनों इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत मज़े की लगेगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है भिंडी गोश्त, वैसे भी गोश्त खाल वेजिटेबल वगैरह अगर डल जाए मटन में या बीफ में तो वो अच्छा लगता है, वरना खाली खाना मुश्किल ही लगता है, अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ना। बाकी खैर लोगों का अपना टेस्ट होता है, लेकिन मुझे तो मीट, कुछ भी मटन हो या बीफ हो, कुछ भी हो या कीमा हो, उसके साथ कुछ ना कुछ वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए, तो बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।